आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए हल्द्वानी में आज अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्या, बीजेपी के विधायक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लोकसभा और निकाय चुनाव के लिहाज से कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के टिप्स दिए। दुष्यंत गौतम ने कहा कि केंद्र की ओर से बनाई गई योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना पार्टी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होना चाहिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और उसको सर्वांगीण विकास के लिए सब वर्गों में जाने का रहता है। इस कारण से उन्होंने SC ST OBC किसान सभी मोर्चे बनाए हैं और उन मोर्चों के माध्यम से समाज से जुड़ी समस्याओं को केंद्र को अवगत कराना, नेतृत्व को अवगत कराना और केंद्र द्वारा बनी गई योजनाओं को उन तक पहुँचाना, ताकि उनका जीवन स्तर बढ़ सके। इसलिए अनेकों ने कार्यक्रम पार्टी के द्वारा होते रहते हैं, ये भी उसका एक भाग है। राजनीतिक दल होने के कारण हम हर समय तैयार रहते हैं, हमें तैयार होने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा मूल मंत्र समर्पण सेवा भाव है और सेवा का पर्यांत लगातार चलता रहता है। आपने देखा होगा अनेकों ने एक समय पर एक साल बेमिसाल कर हर साल हम अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, इसलिए हमें विशेष करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, जनता के दिल में हम वास करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज फिर से एक बार सिद्ध कर दिया कि अनुसूचित जाति की जो वास्तविक हितैषी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आज पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले जितने भी अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बीटीसी से लेकर के मान्य मंत्री उत्तराखंड सरकार से लेकर के मान्य सांसद तक का इस मोर्चे की जो ताकत है, वो सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरे प्रदेश के जितने डेलीगेट्स हैं वो सारे डेलीगेट्स यहाँ पर पहुँचे हैं और आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुसूचित समाज जो है 100% मत करने का मन बना चुका है।